हे एवरीवन, दिस इज सिमरन। आज मैं आ गई हूँ मेरा मिनी ब्लॉग लेके। सो आज है हमारी एनिवर्सरी एंड मेरे हस्बैंड गए हैं जिम। सो मैं उनको देने वाली हूँ सरप्राइज़ देने वाली हूँ। एंड मैं अभी बलून्स फुला रही हूँ, जो कि मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम है। मैंने कभी भी बलून्स नहीं फुलाई, ना मेरे फ्रेंड के बर्थडे में, मतलब इतना सारा बलून्स मैंने नहीं फुलाए थे। सो ये मेरे लिए एक टफ टास्क था। सो और ये फ्रंट कैमरा के सामने, कैमरा ऑन करके कैमरा के सामने बलून्स फुलाना, ये भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ था। बट क्या करूँ, ब्लॉग लानी है, कोई है नहीं कैमरा पकड़ने वाला, सो खुद को ही सब मैनेज करनी है। एंड मैं बहुत कुछ नई सीख रही हूँ, जैसे कि वॉइस ओवर करना, कैमरा, ये वो, लाइक ये सब मेरे लिए बहुत ही, और मैं इतना ज़्यादा बात नहीं कर सकती। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि मैं ब्लॉग बना लेती हूँ बट मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम ऐसा होता। उसके बाद मैं सोची कि कोई भी चीज़ हम लोग जब पहले शुरुआत करते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, बट हम लोग वो करते करते धीरे धीरे सीखते हैं। सो मैं वीडियो बनाऊंगी एंड मैं वॉइस ओवर भी करूंगी और मैं बेहतर से बेहतर करूंगी। सो अभी आते हैं हम लोग मेन टॉपिक में, हमारा एनिवर्सरी वाला टॉपिक में। सो हमारा आज हो रहा है एक साल शादी का। यस, हमारा एक साल हो रही है और हमारा जो लव स्टोरी है, अगर आप लोग वो जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तब मैं वीडियो लाऊंगी। सो एक छोटा मोटा सा डेकोरेशन मैंने कर लिया है, आप लोग देख ही पा रहे हो। अभी है लाइट की बारी, जो एकदम आपस में उलझ गया है, जो मैं कैसे ठीक करूँ मुझे नहीं पता, बट मुझे ये ठीक करना है। हमारे लाइफ में भी हम लोग कहीं कहीं जगह पे ऐसे फंस जाते हैं, लेकिन वहाँ से हम लोगों को कैसे मूव ऑन करना है, कैसे निकलना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे लाइफ को ऐसे उलझने कभी देना ही नहीं है, क्योंकि ये लाइट है बट वो हमारी लाइफ होती है। ये लाइट अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं फेंक सकती हूँ, बट हमारे लाइफ को हम लोग नहीं फेंक सकते। सो बी केयरफुल, सब बोलेंगे आज मैंने ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया। और इधर बज गया है मेरा कॉलिंग बेल। यस, मेरा हस्बैंड आ गया है, चलो चलते हैं दरवाजे की तरफ। दरवाज़ा नॉक किया, मैं अभी दरवाज़ा खोलने वाली हूँ। ये मेरा हस्बैंड आ गया, अभी हम लोग देखने वाले हैं उसका रिएक्शन। जिम से बंदा पूरा भीग के आया है और अभी मेरा हस्बैंड ऐसा लुक करता है कि मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और मेरे को प्यार से हग करता है। और ये है फाइनल लुक, मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं किया था बट ये मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैंने इतना बलून्स मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम डेकोरेशन किया। एंड मेरा हस्बैंड बहुत खुश हुए, जो कि मैं बहुत खुश हुई उनको खुश देख के। एंड मेरा हस्बैंड मेरा ही रोज़ मुझे दे रहा है, उनको मैं बोली नहीं ये आप मुझे मत दो, ये मेरा है, ये मेरा गार्डन का है, सो ये मैं आपको दूंगी। सो वो मुझे बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे, और वो जिम से आके मुझे बोल रहे थे, नीचे से कॉल किया था कि आप रेडी हो जाओ, हम लोग बाहर डिनर करने जाएंगे। बट मैंने बोला कि नहीं आप ऊपर आ जाओ, तो मेरा ये सरप्राइज़ उनको देना है ना। सो हम लोग एक छोटा सा केक लाते हैं, जो कि बहुत ही एकदम चॉकलेटी फ्लेवर एंड चॉकलेट से भरा हुआ था। वो हम लोग केक कटिंग करते और मेरा तो खा के एकदम से दांत में वो कैविटी हो गया शायद मेरा दांत में। और फिर थोड़ा सा हम दोनों फोटो सेशन करते, फोटो वोटो खींच के हम लोग, और केक को तो दोनों ऐसे खाते हैं कि क्या बोले, पूरा खा ही लेते हैं दोनों। और फिर केक वेक खाते हम लोग, निकलते हैं डिनर करने के लिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। सो हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी बहुत रात हो गया, 10 बज गया था अभी। सो हम लोग जा रहे हैं जायका पे। पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि थोड़ा सामने ही डोमिनोज है, डोमिनोज में जाएंगे, लेकिन मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन नहीं था। सो हम लोग जा रहे हैं अभी जायका पे। और हम लोग आ गए जायका, आप लोग देख ही पा रहे हो, मैं रूम पे जो टी शर्ट पहनी थी मैं वही पहन के चली गई, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। जब आपका हस्बैंड आपका बेस्ट फ्रेंड होना तब ऐसा ही होता है, क्या सजना सवरना, उसको पता ही है आप कैसे हो। सो आज हमारा डिनर पे है बिरयानी, कबाब, कोक वगैरह वगैरह। सो हमारा ये सिंपल सा छोटा सा एनिवर्सरी कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। एंड ऐसा ही और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।